नए साल के आगाज पर हर तरफ जश्न मना। जश्न के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत भी किया, लेकिन जश्न के नाम पर कुछ लोग न सिर्फ हुड़दंग करते दिखे बल्कि कुछ लोग तो महिलाओं के साथ बदसलूकी भी करते नजर आए। ये उस प्रदेश का हाल रहा जहां का प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा था, बावजूद इसके माहौल खराब करने वालों ने जमकर हंगामा काटा। बात अगर ग्रेटर नोएडा की करें तो यहां न सिर्फ महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई बल्कि विरोध करने पर मारपीट की भी घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू के सिटी पार्क में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। इसी दौरान सोसाइटी के रहने वाले कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश की। इस दौरान जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो आरोपी महिलाओं के साथ बदतमीजी करने लगे। वहीं जब कुछ युवकों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी दबंगों ने मारपीट की। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस भी अलर्ट हो गई, बल्कि महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 से 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। साथ ही पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर लोगों की शिनाख्त कर कार्रवाई की बात भी बोल रही है, बल्कि पुलिस ने साफ भी कर दिया है किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। नए साल की रात को ही लखनऊ से भी हंगामे और हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई। यहां कार सवार खुलेआम न सिर्फ शराब पीते दिखाई दिए बल्कि कानून व्यवस्था का मजाक भी उड़ाते साफ साफ दिखाई दिए। नए साल पर किसी तरह का हंगामा न हो इसके लिए पुलिस ने पहले ही तैयारियां कर ली थी, बावजूद इसके दबंगों ने और हुड़दंग मचाने वालों ने जमकर दबंगई दिखाई और सड़कों पर हुड़दंग भी काटा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।